नमस्कार दोस्तों, अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैपेसिटर को हम कैसे चेक करें कि कौन सा कैपेसिटर अच्छा है, कौन सा खराब है। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि जो खराब कैपेसिटर्स है उसको हम कैसे रिपेयर करें, इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कैपेसिटर में एक या दो पॉइंट खराब होता है तो उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन दोस्तों हम उसे रिपेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी खराब है उसमें, तो उस खराब कैपेसिटर को हम रिपेयर करेंगे और एक नया कैपेसिटर हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये 100% काम करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों कि एक पॉइंट खराब है इस कैपेसिटर का, और उसी तरह इसमें का भी एक पॉइंट खराब था। तो दोनों हम निकाल कर इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और पूरी ये भी 15 kVA का है और ये भी 15 kVA का है, तो दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट हम इसको बनाएंगे ताकि ये फिर से इंस्टॉल कर सकें अंदर। तो दोनों को हम निकाल लेंगे, एक को निकाल लिया है मैंने और दूसरे को भी इस तरह खोल के हम निकाल लेंगे। लाइट इसका काट देंगे। ठीक है दोस्तों, लाइट ऑफ करके इसको खोल कर यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे इसे रिपेयर करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों को खोल लिया गया है जो कैपेसिटर्स है, और इसका ढक्कन खोल लेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ स्क्रू होगा, इसको खोल कर और इधर का खोल कर दोनों को खोल लेंगे। खोल कर फिर इसे ठीक करेंगे। दोस्तों, कई बार होता है कि जब एक पॉइंट खराब हो जाता है या दो पॉइंट खराब होता है तो इसको खराब समझ के इसको फेंक दिया जाता है, तो इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको रिपेयर करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो स्क्रू है, ठीक है, और इसी तरह यहाँ दो स्क्रू है, इसको भी खोल लेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर का जो नट है ये भी खोल कर जो रेजिस्टेंस है इसको निकाल लेंगे। इस तरह खोल लेंगे इसे। अब इस तरह ये दूसरे का रेजिस्टेंस इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह निकल जाएगा रेजिस्टेंस, उसी तरह इसके भी खोल कर रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसको खोल लेंगे और रेजिस्टेंस निकाल देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और लाइक भी करेंगे। अब ये जो ढक्कन है निकाल लेंगे ऊपर की तरफ खींचकर, इस तरह निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं कि नीचे एक नट लगा होता है तीनों में, तो इसे भी खोल देंगे, इस नट को हम खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, निकाल लेंगे। तो इस तरह दोस्तों देख सकते हैं कि तीन कैपेसिटर है इसमें, थ्री फेज का है तो तीन ही होगा। तो इसमें से चेक करना है कि कौन सा कैपेसिटर खराब है, तो इसे चेक करने का आसान तरीका है दोस्तों, मैं बताऊंगा जरूर। और उसी तरह दूसरे का भी खोलेंगे, तो इसका भी ये जो नट है नट खोल कर निकाल लेंगे उसी तरह। चलिए उसे भी खोल लेते हैं। देख सकते हैं कि ये निकल गया और तीन कैपेसिटर इसी में है। अब यहाँ से खोल कर निकाल लेंगे इसे, तो यहाँ दोनों जो तीनों नट है उस नट को खोलेंगे तीनों। अगर एक या दो पॉइंट खराब हो तो आपके पास पुराना उसी तरह का कैपेसिटर हो तो आप बड़ी आसानी से इसे रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, और इसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये किस तरह फूल गया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो दो कैपेसिटर ये ठीक है, ये फूल गया है। ठीक है, और ये भी ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे कि ये भी ठीक है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें का एक एक निकाल लिया है, ठीक है, और इसमें का भी एक निकाल लिया है, और ये तो खराब है हमको पता है, लेकिन फिर भी हम इसे भी चेक कर लेंगे क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है आपस में, तो इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ बोर्ड से वायर जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, वायर लगा लेंगे। अभी 220 वोल्ट पे चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए दोस्तों। अब नीचे इसको पकड़ लेंगे इस तरह, ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों कि मैंने बोर्ड से दो फेज लाया है, एक न्यूट्रल है और एक फेज है, ठीक है। 220 वोल्ट करंट आ रहा है यहाँ पर। अब इसमें स्पार्क कराएंगे इस तरह, ठीक है, इस तरह। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें तो स्पार्क कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं पटाखा मार रहा है, और इसमें नहीं कुछ भी हो रहा, ये डेड है पूरी तरह, ये ओपन हो गया है, और इसी तरह इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, ये भी ओपन हो गया है, लेकिन ये कैपेसिटर एक ठीक है, इसमें एक कैपेसिटर ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर इसमें ठीक है, ठीक है, तो इसे हम निकाल कर अलग रख लेंगे और इसे हम फेंक देंगे, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे को चेक करेंगे, इसको छूने से पहले दोस्तों, क्योंकि ये चार्ज हो गया है, अब इसे हम शॉर्ट करा देंगे। देख सकते हैं इसमें करंट आ गया था, तो इसे मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे हम खोलकर अलग कर लेंगे, ठीक है। अब उसी तरह दूसरा जो कैपेसिटर है इसे भी हम चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह सिंपली साथ पकड़ के यहाँ चेक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं स्पार्क आ रहा है, ठीक है, ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह दूसरे में चेक करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। उसी तरह तीसरे में चेक करेंगे इस तरह, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ही नहीं आ रहा। इसका मतलब कि एक जो ये कैपेसिटर है ये ठीक है, बाकी सब ये दो खराब है, तो इसे भी हम अलग निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसे ये चार्ज हो गया है, तो इसे हम न्यूट्रलाइज करेंगे, तभी इसे छुएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ एक सिंपल सा वायर लेकर इसे न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम छू सकते हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे, यानी इसमें का एक और इसमें का एक, ये दो बन गया। एक और देखते हैं, उसी तरह तीसरे को भी निकाल लेंगे। तो चलिए दूसरा जो कैपेसिटर है उसे खोल लेते हैं। इसको भी खोल लेते हैं, इसमें भी चेक कर लेंगे कोई ठीक तो नहीं, जो ठीक होगा उसे हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि तीन कैपेसिटर तीन बॉक्स से निकाल लिया है, और एक्चुअली दोस्तों मुझे एक तरह का कैपेसिटर जैसे 15 kVA का है, तो 15 kVA का सभी नहीं मिला, ये 15 kVA का है, और ये भी 15 kVA का है, और ये जो है ये 10 kVA का है। तो तीनों को जोड़कर हम बनाएंगे एक नया कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों, जो इंस्टॉल करने के बाद काम करेगा और जो अपना PF है उसे कंट्रोल करेगा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा ये जो कनेक्शन है, ये सभी का कनेक्शन हम कर लेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ इस तरह लगा लेंगे, ठीक है, और इसमें एक इस तरह लगा लेंगे, अगर ढीला हो जाएगा थोड़ा इसे दाब देंगे इस तरह, ठीक है दोस्तों ये लग गया। अब दोस्तों इसमें का एक पॉइंट जो बचा इसमें लगा देंगे, ठीक है, और इसमें का ये जो बचा इसमें का यहाँ लगा देंगे इस तरह, थोड़ा टाइट कर लेंगे इसे, यहाँ लगा देंगे, और ये जो कैपेसिटर बचा यहाँ इस तरह इस सेंटर में करके इस तरह
और यहाँ इसमें इस तरह लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और टाइट कर लेते हैं इसे। तो देख सकते हैं कि ये जो एक सीटर है ये तैयार हो गया हमारा। ठीक है, जो कि ये 15 केवीआर से थोड़ा सा कम होगा, लगभग 12.5 केवीआर का होगा ये कैपेसिटर। तो इसे हम चेक करेंगे, चेक करके फिर आपको दिखाएंगे कि ये काम करता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे अंदर। दोस्तों देख सकते हैं कि इस बॉक्स में हम फिट करेंगे तीनों को। तो इसको इसके होल में लगाएंगे, पीछे जो होल है ना होल में लगा देंगे। दोस्तों 15 केवीआर का मेरे पास सभी कैपेसिटर नहीं था, इसलिए मैंने एक 10 केवीआर का कैपेसिटर लगाया है। अगर आपके पास अगर 15 केवीआर का हो तो ही लगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये तैयार हो गया। अब इसे हम लगाकर चेक करेंगे और इसका एम्पियर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हम लगाते हैं। तो दोस्तों इसके हम अंदर लगा लेते हैं इसके ढक्कन के। तो इस वायर को हम लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक एक वाशर देकर तीनों को टाइट कर लेंगे इसमें लगाकर। दोस्तों आपके पास अगर सभी सेम कैपेसिटर हो तो लगाइएगा। तो मैं इसका एम्पियर चेक करके भी दिखाऊंगा आपको। ये लगभग 12.5 केवीआर का बना है, एक इसमें 10 केवीआर का लगा है, बाकी 15 केवीआर का है जो इसका जो कैपेसिटर है। तो ये लगभग 12.5 के आसपास हो सकता है, लेकिन ये काम बिल्कुल करेगा। तो अब यहाँ ही रख कर इसको चेक करेंगे, इसका स्विच ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम चेक करते हैं, स्विच ऑन करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो लाइट है ये ऑन हो चुका है। ठीक है, अब इसका एम्पियर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, एम्पियर चेक करने के लिए दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ एम्पियर कैसे चेक करते हैं, फिर भी इसका एम्पियर हम देख रहे हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें 11 पॉइंट कुछ एम्पियर आ रहा है, दो है, 10.10-11 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, और दूसरे में लगाएंगे तो यहाँ भी 11.2 है, और इसमें भी यहाँ देख सकते हैं 9.2 है एम्पियर। तो कैपेसिटर ये काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एक बार इसको चेक कर लेंगे कि ये गर्म तो नहीं हो रहा ज़्यादा। इसका वायर भी चेक कर लेंगे, तो ये ठीक है, अभी काम कर रहा है बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों ये आप बड़ी आसानी से जो ख़राब कैपेसिटर होगा
तो उसमें एक पॉइंट भी ठीक होगा, तो दो तीन कैपेसिटर को खोलकर उसमें एक कैपेसिटर लगा सकते हैं और आप आराम से 4-5 हज़ार एक कैपेसिटर के ऊपर बचा सकते हैं दोस्तों। तो इसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे हम टाइट कर देंगे इसका लाइट काट के और इसके लगा वहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह आप बड़ी आसानी से आप कैपेसिटर को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।